टेस्टोस्टेरोन की प्रिपरेशंस या टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस या टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने की जो दवाइयाँ हैं वो किस किस प्रकार की होती है, कैसे काम करती है और उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। ये मेरा टेस्टोस्टेरोन सीरीज़ का पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने बात की थी कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है, टेस्टोस्टेरोन के फ़ायदे नुकसान और टेस्टोस्टेरोन की जाँच कैसे होती है। वो पार्ट वन है, वो सीरीज़ का पार्ट वन आप प्ले लिस्ट में दे सकते हैं। आज का जो पार्ट टू है वो है कि टेस्टोस्टेरोन की प्रिपरेशंस, टेस्टोस्टेरोन किस किस तरीके से व्यक्ति ले सकता है अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए और उनके रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स और उनकी बॉडी में जो प्रभाव है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता। मैं हूँ नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट माने कि पुरुष रोग विशेषज्ञ, और मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बात करें कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो होता क्या है और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना चाहे तो जो नॉर्मली दवाइयाँ प्रिस्क्राइब होती है उनको सही ढंग से कैसे लिया जाए, ताकि आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि टेस्टोस्टेरोन के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुँच सके। सो टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक हार्मोन है, वो एक स्टेरॉयड है। वो पहले समझेंगे कि टेस्टोस्टेरोन को बेसिकली चार तरीके से बॉडी में हम लोग जैसे डॉक्टर हम दे सकते हैं। तो एक तो है ओरल, ओरल मतलब कि टेस्टोस्टेरोन की गोलियां जिनको खाया जाता है, टैबलेट्स। फिर दूसरा है इंजेक्शंस, इंजेक्शंस मतलब जो इंजेक्शंस मसल्स में लगते हैं, ये डेपो इंजेक्शंस होते हैं, मतलब कि अगर एक बार इनको बॉडी में मसल में लगा दिया जाए तो ये कुछ महीनों के लिए, एक महीने, तीन महीने या छः महीने की डोज में आते हैं और उस दौरान अपना इफेक्ट या उस दौरान ये जो इंजेक्शंस है ये सही मात्रा में बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को छोड़ सकते हैं। तीसरा है नेजल स्प्रे, नेजल स्प्रे फॉर्म में टेस्टोस्टेरोन अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर इस फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन में मॉर्निंग में अगर हम नाक में स्प्रे करते तो ये नाक की जो ब्लड सप्लाई है उसके वाया एब्जॉर्ब होकर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ा सकता है। और चौथा होता है पैचेस या जेल फॉर्म में, जिसमें टेस्टोस्टेरोन के पैच होते हैं, पैच मतलब कि स्टिकर या जेल होते हैं, जिनको बॉडी में जहाँ पर बाल नहीं है जैसे जांघ या पीठ या छाती, वहाँ पर लगाने से टेस्टोस्टेरोन एब्जॉर्ब होता है। तो इसमें अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो एक हो गया डेली प्रिपरेशन, जिसमें हमें हर रोज़ मरीज़ को टेस्टोस्टेरोन खाना पड़ता है या लगाना पड़ता है या स्प्रे करना पड़ता है, और एक हो गया डेपो फॉर्म, डेपो फॉर्म मतलब कि एक ऐसा इंजेक्शन या ऐसा फॉर्म जो एक बार लगे तो महीने, तीन महीने या छः महीने तक टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बॉडी में प्रॉपरली रखता है। टेस्टोस्टेरोन के कई सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो टेस्टोस्टेरोन को अगर जैसे मॉलिक्यूल है, अगर टेस्टोस्टेरोन में हम उसके मॉलिक्यूल्स में कुछ कुछ चेंज करें या उसको एस्टेरीफाई करें, एस्टेरीफाई मतलब नॉर्मली अगर आप टेस्टोस्टेरोन को प्लेन स्टेरॉयड फॉर्म में उपयोग करेंगे तो वो बॉडी में इफेक्ट नहीं दिखाएगा। जो टेस्टोस्टेरोन के साथ एक एस्टर या एक केमिकल को अटैच किया जाता है जिसको बोलते हैं उनडेकोनेट, तो जो TU है या टेस्टोस्टेरोन उनडेकोनेट है, ये आजकल का सबसे पॉपुलर और सेफेस्ट फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन है। जब ये टेस्टोस्टेरोन बॉडी में जाता है तो इस ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, बॉडी इस टेस्टोस्टेरोन में जो लगा हुआ एस्टर है उसको निकाल देती है और उसके बाद जो टेस्टोस्टेरोन है वो बॉडी में सर्कुलेट करता है जैसे एक नॉर्मल बॉडी का बनाया हुआ टेस्टोस्टेरोन हो। वो टेस्टोस्टेरोन जाएगा, एल्बुमिन से बाइंड होगा, प्रोटीन से बाइंड होगा, उसमें भी फ्री टेस्टोस्टेरोन जो है कुछ मात्रा में बचेगा, रिमेनिंग टेस्टोस्टेरोन जो है बॉडी को नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन के फॉर्म में बाहर निकाल देगी। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो ओरल टेस्टोस्टेरोन है, जो खाने वाला टेस्टोस्टेरोन है, पूरे वर्ल्ड में वो यूज़ होना बंद हो गया है, पर इंडिया में अभी भी अधिकतर कई जगहों पे जो डॉक्टर्स है वो ओरल टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन को टैबलेट फॉर्म में लिखते हैं। उसके कई नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि नॉर्मली जब हम टेस्टोस्टेरोन को खाते हैं मेडिसिन फॉर्म में तो वो टेस्टोस्टेरोन बॉडी में जाके डायरेक्टली लिवर में पहुँचता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या इसको बोलते हैं टोटल ब्लड सप्लाई। तो नॉर्मली अगर आपको थोड़ा एनाटॉमी या थोड़ा बायोकेमिस्ट्री का ज्ञान हो, नहीं है तो बता देता हूँ कि नॉर्मली हमारी बॉडी में नॉर्मली अगर सपोज जो हाथ का ब्लड है, ब्रेन का ब्लड है, हार्ट का ब्लड है, ये सारा ब्लड जो है वो सीधा हार्ट में जाता है और हार्ट में जाने के बाद इस ब्लड को बाकी ऑर्गन्स में भेजा जाता है। पर जो भी ब्लड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से निकलता है, मतलब हमारे इंटेस्टाइन से निकलता है, वो सारा ब्लड सबसे पहले लिवर में जाता है, लिवर में फिल्टर होता है और उसके बाद वो ब्लड हार्ट में जाता है। इसको टोटल ब्लड सप्लाई या डुअल ब्लड सप्लाई बोलते हैं। और अगर कोई भी मेडिसिन आप मुंह से खा रहे हैं और वो इंटेस्टाइन में जा रही है तो वो मेडिसिन सीधा टोटल ब्लड सप्लाई से लिवर में पहुंचेगी।
तो होता क्या है कि अगर आपने सपोज 1 ग्राम टेस्टोस्टेरोन मुंह से लिया तो उसमें से 95% जो टेस्टोस्टेरोन है वो इंटेस्टाइन में से लिवर पहले ही निकाल देता है। तो बायोअवेलेबिलिटी मतलब कि अगर आपने 1 ग्राम टेस्टोस्टेरोन खाया तो सिर्फ उसका 7 से 8% टेस्टोस्टेरोन ही बॉडी को मिल पाता है। सेकेंड है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन के एस्टर है ये डायरेक्टली जाके लिवर को हार्म करते हैं, लिवर को अफेक्ट करते हैं, इसलिए टैबलेट फॉर्म में लिया गया टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ओल्ड प्रिपरेशन है। इसको प्रॉपरली मतलब ये हार्मफुल भी है, लिवर को हार्म भी करता है, बॉडी में सही कंसंट्रेशन भी नहीं पहुँचाता है, इसलिए टैबलेट फॉर्म में टेस्टोस्टेरोन को कभी भी नहीं लेना चाहिए। अब आते हैं दूसरे फॉर्म, जैसे इंजेक्शन या पैच। अगर हमें पेशेंट के टेस्टोस्टेरोन को बहुत बारीकी से मॉनिटर करना है, क्योंकि इंजेक्शन अगर एक बार लग गया पेशेंट को तो वो 3 महीने के लिए उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता रहेगा, उसको ना तो हम रिवर्स कर सकते हैं ना हम रोक सकते हैं, और अगर मरीज को उस टेस्टोस्टेरोन से साइड इफेक्ट आ गया तो उसको वो टेस्टोस्टेरोन का साइड इफेक्ट 3 से 6 महीने तक झेलना पड़ेगा। तो उसके अल्टरनेटिव में स्किन प्रिपरेशंस है, जैसे जेल आते हैं या पैच आते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि जैसे आपने इन जेल या पैचेस को अपने थाइस पे लगा दिया या बिना बाल वाले एरिया में लगा दिया, तो वहाँ से ये पैच या ये जेल स्लो मात्रा में स्लोली स्लोली टेस्टोस्टेरोन को ब्लड में रिलीज करते रहते हैं। जो स्किन का जो हमारा ब्लड है वो हार्ट में जाएगा और उसके बाद वो सब ऑर्गन में जाएगा, तो ये स्किन से जो टेस्टोस्टेरोन एब्जॉर्ब होता है ये लिवर में जाके डिटॉक्सिफाई नहीं होता। इस कारण से इसकी बायोअवेलेबिलिटी मतलब कि अगर आपने 100 ग्राम बॉडी को दिया है तो 100 का 100 ग्राम बॉडी में पहुंचेगा, वो हाई होता है और लिवर को डैमेज नहीं करता। और इसका एडवांटेज ये है कि जैसे आपने सुबह लगाया तो शाम तक टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स गिर जाते हैं। तो फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आप डेली की डेली टेस्टोस्टेरोन दे सकते हैं, डेली की डेली उसके साइड इफेक्ट मॉनिटर कर सकते हैं, डेली की डेली देख सकते हैं कि मरीज़ को फ़ायदा है या नुकसान है, और बड़ी बारीकी से डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। पर नुकसान ये है कि एक तो ये महंगे होते हैं, दूसरा कई बार ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होते, तीसरा है इनको रोज़ की रोज़ लगाना पड़ता है, चौथा है कि ये महीने महीने नहीं चलते, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है कि अगर आपने टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी पे लगा रखा है और आप उसके बाद संभोग करते हैं या अपने बच्चे से खेलते हैं या किसी से मिलते हैं तो हो सकता है कि ये जेल या ये उनको भी लग जाए, तो ये आपके पार्टनर को या दूसरे आदमी को भी साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। तो नॉर्मली हम जो प्रेफर करते हैं वो इंजेक्टेबल फॉर्म में टेस्टोस्टेरोन TU या टेस्टोस्टेरोन डेकोनेट होता है, जिसको हम इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। ये मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली, ईयरली प्रिपरेशंस में आता है। तो हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं मंथली डोज से, अगर मरीज ठीक रहता है तो फिर उसको नेक्स्ट 3 मंथली डोज और 6 मंथली डोज लगाते हैं। एडवांटेज ये है कि एक इंजेक्शन में काम बन जाता है, 3-4 महीने तक बार बार आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल स्टेबल रहते हैं, अप एंड डाउन नहीं होते। पर बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब हम इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे हमने मंथली इंजेक्शन लगाया तो पहले 5 दिन लगते हैं टेस्टोस्टेरोन को अपने पीक पे पहुंचने में, फिर 18 से 19 दिन तक टेस्टोस्टेरोन लेवल पे रहता है और फिर वो धीरे धीरे घटता है। तो इन मरीजों में पीक्स एंड ट्रफ्स आने शुरू होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो 3 महीने का डोज लगा रहे हैं तो उनको पहले 15 दिन परेशान रहेंगे, आखिरी 15 दिन परेशान रहेंगे, बीच में सिर्फ 2 महीने तक उनको फ़ायदा मिलेगा। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन लोगों में हम उन 15 डेज के लिए जेल दे देते हैं, जब इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है तो जेल बंद कर देते हैं, 2 महीने 2.5 महीने तक पेशेंट ठीक रहता है, और जब पेशेंट को लगता है कि हाँ मेरे जो मस्कल इंजेक्शन के जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स घटने शुरू हो गए हैं तो वो फिर से उस इंटरवीनिंग 15 या 20 दिन तक अपना जेल या पैच फॉर्म यूज़ कर सकता है। पर जो TRT थेरेपी है या टेस्टोस्टेरोन थेरेपी है, जो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, वो इतनी सिंपल नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हम टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगवा लिया, हमारा काम बन गया, पर हर मरीज़ अलग होता है, हर मरीज़ की मेटाबॉलिज्म अलग होती है, हर मरीज़ के अंदर टेस्टोस्टेरोन के डिफरेंट डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो उसकी मेटाबॉलिज्म मैंने पिछले समझाई थी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हर जगह डायरेक्टली अपना इफेक्ट नहीं दिखाता। टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ जो एनाबॉलिक कंपोनेंट है, जो उसका मसल कंपोनेंट है, उसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली यूज़ होता है। अदरवाइज टेस्टोस्टेरोन जो सेक्सुअल कंपोनेंट है उसमें DHT में कन्वर्ट होकर हार्मफुल होता है। तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल मॉनिटर हो, आपका PSA, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट के अंदर गांठ या ग्रंथि बढ़ा सकता है, तो PSA मॉनिटर हो, आपका हेमाटोक्रिट मॉनिटर हो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कई बार ब्लड इतना गाढ़ा कर देता है कि क्लॉट्स बन सकते हैं, आपका BP मॉनिटर हो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन BP बढ़ा सकता है,
आपका न्यूरल फंक्शन या ब्रेन फंक्शन मॉनिटर हो, आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स मॉनिटर हो, आपके ईस्ट्रोजन के लेवल्स मॉनिटर हो, तो बहुत ज़रूरी है कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जब भी हम मरीज़ को देते हैं या मरीज़ को स्टार्ट करते हैं तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, ताकि टेस्टोस्टेरोन थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स ना आए। टेस्टोस्टेरोन थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स, टेस्टोस्टेरोन थेरेपी की मॉनिटरिंग पे हम पार्ट 3 या पार्ट 4 में बात करेंगे, पर टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस या टेस्टोस्टेरोन जेल किस मरीज़ में कैसे लगाया जाए और उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सीवियर हो सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि जिस डॉक्टर को टेस्टोस्टेरोन के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी हो वही इसका उपयोग करें। टेस्टोस्टेरोन के डायरेक्ट इंजेक्शंस के अलावा कई बार टेस्टोस्टेरोन की इनडायरेक्ट थेरेपीज भी आती है, जैसे फर्टिलिटी प्रिजर्विंग थेरेपीज। नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाए जाए तो टेस्टिस साइज छोटा हो जाता है, स्पर्म बनने बंद हो जाते हैं और ईडी तक भी हो सकता है। तो कुछ मरीजों में टेस्टोस्टेरोन के इनडायरेक्ट दवाइयाँ जैसे HCG है, लेट्रोजोल है, अनास्ट्राजोल है, टमोक्सीफेन है, इन दवाइयों को यूज़ करना पड़ सकता है, तो इनके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। कुछ स्टेरॉइड्स है टेस्टोस्टेरोन के जैसे नैंड्रोलोन, स्टेनोजोल, जो लोग जिम में इस्तेमाल करते हैं, ये भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में या टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में बहुत उपयोगी है, बट ये मोस्टली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, इसके अंदर एंड्रोजेनिक इफेक्ट कम होता है, पर इनका भी उपयोग या इनका भी मिक्सचर करा जा सकता है, स्पेशली उन लोगों में जिनमें थकान बहुत ज़्यादा है या वीकनेस बहुत ज़्यादा है या टेस्टोस्टेरोन की जो फुल डोज है उसके बाद भी इफेक्ट नहीं आ रहा। नैंड्रोलोन, स्टेनोजोल और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में भी उसकी बात करेंगे।